प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आपका मेरे नए ब्लॉग में आज स्वागत है। आज का डेट है 3 जुलाई और आज घर पे बन चुका है बटर चिकन। ठीक है, आज मैंने बटर चिकन बनाया है। तो बनाते हुए मैंने वैसे व्लॉग नहीं किया बिकॉज बहुत ज़्यादा ही गर्मी है और गर्मी में ना बनाते समय व्लॉग करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। अब कैसे एक हाथ से कैमरा पकड़ के एक हाथ से चलाओ तो चलेगा भी नहीं और मोबाइल बिगड़ जाएगा, इसीलिए मैंने व्लॉग नहीं किया। हाँ, फाइनल लुक है वो बन के तैयार है, फाइनल जो लुक है उसको अभी मैं दिखाने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा ही अच्छा दिख रहा है, दिखने में तो एकदम गजब का है और रूम पूरा एकदम घर में इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, मैं क्या ही बताऊँ। मैंने एकदम जैसे बटर चिकन ऑथेंटिक बनता है वैसे ही मैंने बटर चिकन बनाया, लेकिन हाँ बस एक चीज़ का अंतर है ना कि जैसे मैंने स्पाइसी वाला थोड़ा बनाया है, मैंने मीठा बटर चिकन नहीं बनाया। मेरे को मीठा बटर चिकन बिल्कुल ही पसंद नहीं है। मैंने जैसा कि बताया था कि होटल जिस होटल में हम लोग खाते हैं वहाँ का भी स्पाइसी रहता है, तो बटर चिकन हम लोग स्पाइसी खाते हैं, मीठा बटर चिकन किसी को पसंद नहीं है। तो यही हाँ, बटर चिकन में एक चीज़ मैंने नहीं डाली है, चीनी। बाकी सब मैंने मसाले कसूरी मेथी या फिर जो जो भी डलता है वो सब डाला है। हाँ, किसी का जैसे मैं रेसिपी बनाता था हर बार, मैंने किसी का स्पेसिफिक किसी का एकदम एक एक स्टेप फॉलो करके किसी का रेसिपी नहीं बनाया है। मैंने अपने मन से जैसे आज तक बटर चिकन की मैंने कितनी ही रेसिपीज़ देखी, बस मेरे को याद था कि बटर चिकन कैसे बनाते हैं, तो किसी की रेसिपी नहीं देखी मैंने, अपने से बनाई है। तो भाई अगर रेसिपी चाहिए होगा आपको तो इस वीडियो पे 100 या 200 लाइक्स, 100 लाइक्स करा दो, मैं अगले वीडियो में पक्का बटर चिकन की रेसिपी बता दूंगा जो मैंने आज बनाई है। ठीक, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज़। अच्छी कंटेंट बनाता हूँ, इतनी अच्छी क्वालिटी में, इतनी अच्छी एडिटिंग, अच्छे अच्छे खाने, सब जैसे प्रोफेशनल यूट्यूबर की तरह शायद। चलिए तो वही अभी आपको थोड़ा सा बाहर का भी माहौल दिखाता हूँ, सबका मैं रिएक्शन दिखाने वाला हूँ, फैमिली रिएक्शन। मैंने बनाया है चम्मच, छोलो दीदी मम्मी मम्मी सब, बस एक एक की कमी है और बाबू थी तो बड़ा मज़ा आता था, बाबू की बड़ी याद आ रही। पिछली बार मैंने चिकन पटियाला जब बनाया था तो मैंने ब्लॉग नहीं किया था, चिकन पटियाला बनाया था तो सिर्फ मैंने थोड़ा सा वो जो शॉर्ट्स के लिए बनाया था वही दिखा दिया था, लेकिन हाँ वो भी बहुत गजब का बना था। लेकिन हाँ, दिखने में आज वाला बटर चिकन ज़्यादा अच्छा लग रहा है चिकन पटियाला से। सो गाइस, यहाँ पे मम्मी अभी रोटी बना रही हैं और चावल बना रही हैं, ये देखिए मम्मी हाय करो। हाय, इतने दिन से मम्मी नहीं दिखी थी। अच्छा वो छोड़िए, मम्मी खा नहीं रही हैं बटर चिकन, मम्मी को नहीं खाना है, मम्मी मना कर रही हैं क्योंकि उनको चिकन उतना पसंद नहीं है, तो इसीलिए चिकन नहीं खा रही हैं वो, बटर चिकन। वो सादा खाना खाएंगी जो नाना के लिए बना है, नाना खाएंगे आज दाल चावल चोखा, तो वही मम्मी भी खाने वाली हैं, बाकी लोग का मैं रिएक्शन दिखा दूंगा। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हो अभी मैं बटर चिकन खाने के लिए बैठ चुका हूँ, और जैसा कि मैंने बताया था कि बटर चिकन देखने में बहुत ही ज़्यादा ही दिखने में ही अच्छा था और खुशबू भी बटर चिकन की बहुत ज़्यादा ही अच्छी आ रही थी। थोड़ा सा मैंने ऊपर से थोड़ा सा डेकोरेशन टाइप कर दिया है बटर चिकन का और लिटरली बहुत ही अच्छा था खाने में भी। वो तो मैं पीछे से अभी वॉइस ओवर कर रहा हूँ। रोटी मैंने साथ में लिया था और ये देखिए पीस कितना ही ज़्यादा सॉफ्ट है, लेग पीस। और अब थोड़ा सा ग्रेवी में मैं डिप कर रहा हूँ, जैसा कि आप लोग देख सकते हो मेरा वीडियो देखते टाइम मुंह में पानी आ रहा है, इतना टेस्टी था ना बटर चिकन कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत मस्त बटर चिकन था। सो गाइस, अभी मैं खाना खा रहा हूँ और लिटरली एक बाइट मैंने खा लिया, मैं क्या ही बताऊँ आपको, इतना ही टेस्टी बना है ना, इतना बेस्ट, इतना बेस्ट। ये देखिए मैंने मक्खन वक्खन डाल के अच्छे से सजाया था, वाओ यार। बहुत मस्त। मस्त है गाइस, लिटरली चिकन बहुत मस्त है, बहुत मज़ा आ रहा है गाइस, बड़ा टेस्टी बनाया है। बेस्ट बटर चिकन की रेसिपी है, बेस्ट आज तक की, लिटरली बेस्ट। वाह मज़ा आ गया, हाय हाय हाय, थोड़ा सा बटर लगाते हैं। ये देखिए गाइस बटर पिघल गया है, ये लिटरली आज तक का बेस्ट रेसिपी एवर है। Wow.
वाह बेस्ट। अब आज तक मैंने जितनी भी रेसिपीज बनाई, अब ये मेरे लिए टॉप पे है। अब देखते हैं इसको कौन बीट करता है। अभी तक मेरे लिए टॉप पे था चिकन अंगारा, बट नाउ अब मेरे लिए टॉप पे है ये वाला बटर चिकन। बेस्ट गाइस, सिर्फ लेग पीस ही सॉफ्ट नहीं है, ये देखिए रुक जाइए मैं ऐसे तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, सिर्फ लेग पीस ही सॉफ्ट नहीं है, ये देखिए ये सारी पीस, जितने पीस हैं ये देखिए कितनी आराम से सारी पीसेस टूट रही है ना, बिल्कुल ही मस्त लग रहा है, सारे के सारे पीसेस एकदम मस्त, बहुत अच्छा। सो गाइस ये देखिए, अभी मैं चावल लेके बैठा हूँ, तो चावल के साथ भी ट्राई करते हैं कि बटर चिकन चावल के साथ कितना ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। मेरे को तो पता है बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगेगा, बिकॉज इतना टेस्टी इसका ग्रेवी बना है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। और एकदम पीस के अंदर तक इसके फ्लेवर आ चुका है, क्योंकि मैंने मैरिनेशन के लिए रखा था ना, इसीलिए लिटरली बहुत ही ज़्यादा ही टेस्टी बना था उसके, मतलब ग्रेवी भी अच्छा था और चिकन का पीस भी अच्छा था। तो अब देखिए, ये मैं शॉर्ट्स वाले चैनल के लिए वैसे रिकॉर्ड कर रहा था, मैंने ब्लॉग में ऐसे ही डाल दिया वॉच टाइम बढ़ाने के लिए। अभी मैं चावल खा रहा हूँ। गाइस चावल भी बिल बड़ा मस्त लग रहा है, लिटरली चिकन ही इतना टेस्टी है ना, मैं चाह रहा हूँ आप सभी लोग ये टेस्ट करें ये चिकन। आप लोग को मैं रेसिपी देने वाला हूँ पक्का, आप लोग ये रेसिपी ज़रूर बनाना अपने घर पे और ट्राई करना। बहुत टेस्टी रेसिपी है, बहुत ज़्यादा। जो नॉनवेज खाते हैं सिर्फ वही, जो नहीं खाते उनके तो कोई बात ही नहीं है। यार बहुत टेस्टी है। सो गाइज ये देखिए, मैं शॉर्ट्स वाले चैनल के लिए ये पीस तोड़ तोड़ के दिखा रहा था कि पीस कितना ही ज़्यादा सॉफ्ट है, तो ये देखिए मैंने ब्लॉग में भी ऐड किया है। ये देखिए कितना ज़्यादा ही सॉफ्ट था, मैंने जैसा कि पहले बताया था सारे पीसेस सॉफ्ट थे, तो वही मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट पीसेस है और ये ग्रेवी कितनी थिक थिक सी और एकदम दिखने में एकदम टेस्टी। मेरा तो बोलते समय और वीडियो देखते ही समय एडिटिंग के टाइम मुंह में पानी आ रहा है, मैं क्या ही बताऊं। गाइस जैसा कि आपने देखा कि अभी मैंने चिकन खा लिया, चिकन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था और ये मम्मी ने ना खाई, मेरे को ये चीज़ सबसे ख़राब लग रहा है कि मम्मी नहीं खाई। मम्मी का अच्छा नहीं लगता है इसीलिए नहीं खाती है। इतना टेस्टी बना था, सिर्फ मम्मी ने खाई, बाकी सब लोग खाए, हाँ मम्मी और नाना दो लोग ने खाए हैं। चिकन बहुत टेस्टी बना था, दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और खाने में भी बहुत अच्छा था, मेरे लिए तो फर्स्ट नंबर पे अभी आ चुका है आज तक के कुक एंड ईटिंग वाले व्लॉग्स में। आप लोगों को मैं रेसिपी दूंगा 100 लाइक्स हो जाने के बाद, ठीक है। अभी चम्मक छल्लो भी आएंगे, उनका भी खाते हुए रिएक्शन दिखाएंगे। आइए दीदी से पूछते हैं उनको कैसा लगा, वो तो खा के उठ भी गई क्योंकि मैं यहाँ पे खा रहा था, तो वो भी वहाँ पे खा ली। और मम्मी को देखिए गाइस, यहाँ पे ये सादा सिंपल घर का खाना खा रही हैं, ये देखिए नाना खा रहे हैं दाल चावल चोखा और मम्मी खा रही हैं ये क्या है, सत्तू की मखनी, सत्तू का पराठा और चटनी, आम का चटनी, आम का चटनी। चलो अच्छा ही खाना है। खा लो। और यहाँ पे आप लोग जैसा कि देख ही सकते हो कि नाना खा भी लिए, दीदी भी खा लिया, ये दीदी से पूछते हैं कैसा लगा। सो गाइज पापा अभी नहीं खाए हैं, पापा भी आएंगे तो वो भी खाएंगे, तो पापा का रिएक्शन नहीं दिखा सकता। कैसा लगा? अच्छा था। तो गाइज ये देखिए बाबू का फोटो, जो कि है वाइट वाला एक फ्रॉक पहनी थी वहाँ पे, इतनी क्यूट प्रिंसेस की तरह लग रही थी ना, इसके वीडियो के बाद अभी फोटो आप लोग देख लोगे। और कल है जीजू का बर्थडे, कितने तारीख है कल? कल है 4 जुलाई, आज तक 3 जुलाई था, हाँ 3 जुलाई और कल है 4 जुलाई का जीजू का बर्थडे है, तो वही कल बर्थडे है, तो
आप लोग कमेंट में हैप्पी बर्थडे कह सकते हो, हैप्पी बर्थडे मेरे जीजू को। वैसे तो जीजू आज तक व्लॉग में आई नहीं है, आप लोगों ने देखा ही कहा है, लेकिन कोई बात नहीं, तब भी बोल देना। सो गाइज ये देखिए क्यूटी पाई को, एकदम प्रिंसेस लग रही है। सो गाइज चमक छलवा गई है और अभी चाय पी रही है। बटर हाँ, सुबह भी चाय पी है और अभी भी चाय पी रही है, पता नहीं कितना चाय पीती है। बटर चिकन खाना है ना? हाँ भाई अपन बना लो कि ना। हाँ अपन बना लो। बनाया हूँ वीडियो अच्छे से। सो गाइस चमक चलो खा रही हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो गाइस पापा खाना खा लिए, कैसा लगा पापा? बहुत अच्छा बना। और मम्मी अभी मम्मी भी खा रही है, बताओ कैसा लगा मम्मी? अच्छा बना लगा, अच्छा लगा था। सो गाइज इसी के साथ ब्लॉग का एंड करता हूँ। हंसिस ले रहा हूँ क्योंकि मम्मी कह रही हैं कि लोग सोचेंगे कि पहले मना करके फिर खाने लगें, ऐसी कोई बात नहीं है। उनको ज़बरदस्ती मतलब हम लोगों ने फोर्स किया, मैंने या पापा ने या दीदी ने, हम लोगों ने कहा कि खा लो मम्मी खा लो मम्मी, वो खा नहीं रही थी। लेकिन एट द एंड उन्होंने खा लिया इतने जिद के बाद, और खाई और उनको टेस्टी भी लग गया। पहले ही बोल रहे थे खा लो और अब खाए तो उनको टेस्टी लग रहा था खाते समय, तो खा ले। बस इसी के साथ ब्लॉग को एंड करता हूँ। बहुत अच्छा लगा आपने मेरे ब्लॉग को पूरा देखा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। ओके बाय।